बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम अपने सबक का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। हम उर्दू कहानी अहसन की ईद के मशकी सवाल करेंगे। हमने इस कहानी की बुलंदख्वानी की थी और हमने उससे कुछ सबक सीखे थे, वो सबक दोहरा लेते हैं। एक सबक हमने ये सीखा था कि अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करना चाहिए, इससे अपनी खुशी भी दोबाला हो जाती है। दूसरा हमने सीखा था कि अपनी कीमती चीज़ की कुर्बानी करनी चाहिए, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी तो अल्लाह ताला ने उसकी जगह दुम्बा रख दिया। तो हमें भी जो हमारे दिल को सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करनी चाहिए। असल में अल्लाह ही सब चीज़ों का मालिक है, हमें तो चीज़ें अमानतन मिली हैं, अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों में से ही हमने खर्च करना होता है। तो अल्लाह को पसंद है, रब्बे कायनात है कि हम अपनी सबसे बेहतरीन चीज़ उसकी खिदमत में लगाएं। और तीसरा हमने देखा था, जब हम कुर्बानी देख करते हैं तो हम उसके तीन हिस्से करने चाहिए। एक गोश्त का हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गुरबा में तकसीम करना चाहिए। फिर हम अक्सर जो है इस बात पे ध्यान नहीं देते कि सफाई तो निस्फ ईमान है। हम कुर्बानी करने के बाद उसकी अलाइशों को सड़क किनारे फेंक देते हैं। तो इस ईद, कुर्बानी की ईद पे प्यारे बच्चों, आपने अपने इर्द गिर्द और अपने मोहल्ले में सब लोगों को बताना है कि अलाइशें सड़क के किनारे नहीं फेंकनी, बल्कि कच्ची जगह पे एक घड़ा खोदें और उसमें अलाइशें दफन कर दें, क्योंकि मिट्टी में ये खासियत पाई जाती है कि कुछ अरसे के बाद अलाइशें गायब हो जाएंगी। जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको डीकम्पोज कर देते हैं, इस तरह सफाई भी रहती है और बीमारी भी नहीं फैलती। हम अपने सबक की तरफ आते हैं। आज हमने जुमले देखने हैं जिनमें कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगी है और हमने अल्फाज के मानी मुंतखब करने हैं। हमारे पास तीन मानी हैं, उनमें से सही मानी का इंतखाब करना है। सबसे पहला जुमला है, ईद खुशी का त्यौहार है। तो त्यौहार के क्या मानी होते हैं? दुख का दिन, पहला दिन। आपको पता है जब पहले दिन हम स्कूल में जाते हैं तो हमें शर्म आ रही होती है, दोस्तों बनाने में भी मुश्किल आ रही होती है, या फिर खुशी का दिन। तो हमारे मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने दो त्यौहार रखे हैं, एक ईद उल फितर जो रमज़ान के बाद आती है, और एक ईद उल अज़हा जिसमें हज भी करते हैं, जो खाना काबा का तवाफ़ होता है, और जो हज पे नहीं जा सकते वो घर बैठ कर कुर्बानी करके उसमें हिस्सा लेते हैं। तो ईद खुशी का त्यौहार है, ईद खुशी का दिन है, हमें अपनी खुशियों के साथ दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। एहसन बहुत बेचैनी से कसाब का इंतज़ार कर रहा था। इसमें हमने देखना है कि कसाब किसको कहते हैं? हलवाई को, जो मिठाइयाँ बनाता है, या फिर माली को, जो पौधे लगाता है, फूल उगाता है, या फिर कसाई जो के गोश्त बनाता है। तो एहसन बहुत बेचैनी से कसाब का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए कि कसाई आए और उसके बकरे को ज़िबा करे और वो गोश्त करवाए। तो सही कसाब का मानी है कसाई, गोश्त काटने वाला। अगला जुमला है, हमीद साहब और उनकी बेगम ईद की खुशियों से महरूम रहते होंगे। महरूम का क्या मानी है देखते हैं? बाखबर, तो खबरों की मालूमात रखना, या फिर जिसे कुछ मुयस्सर ना हो, जिसके पास पैसे ना हो खर्च करने के लिए, और हकदार, जिसका वाकई हक बनता हो उसको चीज़ दी जाए। तो हमने देखा कि वो बूढ़े थे, कोई काम नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे बकरा खरीदने के। तो हमीद साहब और उनकी बेगम ईद की खुशियों से महरूम रहते होंगे। तो महरूम का मतलब है जिसे कुछ मुयस्सर ना हो।
अगला जुमला है, एहसन को रंगीन माला बहुत पसंद आई। रंगीन का क्या मानी है देखते हैं। रंगदार, जैसे रंग बिरंगे मोती लगे हुए इसमें। हरी भरी, जैसे शाख होती है किसी दरख्त की, या फिर खूबसूरत। तो एहसन को रंगीन माला बहुत पसंद आई। माला गले में डालने वाली रस्सी। तो रंगदार, रंगीन का मतलब होता है रंगदार। आगे चलते हैं। हमीद साहब एक ज़ईफ आदमी थे। ज़ईफ किसको कहते हैं, इज्जतदार को, बूढ़े शख्स को, या फिर शरीफ आदमी को। हमीद साहब एक ज़ईफ आदमी थे। ज़ईफ का मतलब है उनकी चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, उनके बाल भी सफ़ेद थे। तो बुढ़ापे में आदमी की जिल्द पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे शख्स को बूढ़ा या ज़ईफ आदमी कहते हैं। तो हमीद साहब एक बूढ़े शख्स थे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लाह ही है जिसने पैदा किया तुमको कमज़ोर हालत में, फिर अनायत की कमज़ोरी के बाद ताकत, फिर कर दिया उसने कुव्वत के बाद ज़ईफ और बूढ़ा। वो पैदा करता है जो चाहता है, और वो साहिब इल्म है, साहिब कुदरत है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में बहुत थोड़ी सी देर के लिए भेजा है। आप देखें, कभी बच्चे अपनी जिल्द को हाथ लगा के देखें, वो नर्म और मुलायम होती है, चमकती हुई होती है। और जैसे जैसे इंसान उम्र की मंजिलें तय करता है, बुढ़ापे में उसकी कमर भी दोहरी हो जाती है, बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, और स्किन जिल्द के ऊपर झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं। तो अगर ज़िंदगी हो तो बुढ़ापा तो आना ही है। फिर बुढ़ापे के साथ बंदा छड़ी भी पकड़ लेता है, क्योंकि उससे चला नहीं जाता। तो अल्लाह ताला ने जो है ये सारी चीज़ें पैदा की हैं, ताकि वही चीज़ें खाते खाते हम बड़े होते हैं, वही चीज़ें खाते खाते हम बूढ़े हो जाते हैं। तो ये निशानियाँ हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए। आपको पता है कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ना बुढ़ापा होगा, ना मौत आएगी, ना बीमारी होगी। हमें कोशिश उस जगह के लिए करनी चाहिए। सूरह हदीद में आता है, लपको मगफरत की तरफ अपने रब की, और जन्नत की वसत है जिसकी वसत की मानद आसमान और ज़मीन की। वो तैयार की गई है उनके लिए जो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूलों पर। तो प्यारे बच्चों, कितना आसान है जन्नत। अल्लाह ताला कहता है कि वो इतनी वसी है आसमान की तरह, और बहुत ज़्यादा खुली है, और उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूलों पर। तो आप भी अपने ईमान को पक्का करें अल्लाह पर, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह की भेजी हुई किताब पढ़ना शुरू करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करें, ताकि हम जन्नत के हकदार ठहरें। तो आज से आप कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें। कम अज़ कम कुरान की 3 आयात को अपने ऊपर तर्जुमे के साथ पढ़ना लाजिम कर लें, ताकि हमारे ईमान में मजबूती हो, हम हर वक्त अल्लाह को अपने साथ पास महसूस करें। मेरा और आपका रब जो हर वक्त हमारे साथ है, उसको महसूस करने की बात है। वो रब्बे कायनात है, सारी चीज़ों का मालिक है। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।